दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई देखिए, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर देखने के लिए कई सारी चीजें हैं। भाई किसी भी जगह की खूबसूरती तब बढ़ती है जब वहाँ चारों ओर साफ सफाई हो, क्योंकि साफ सफाई से मन शांति से भर जाता है। लेकिन दोस्तों इसी दुनिया में कई ऐसे देश भी है जो वाकई में यार बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। जब आप इन देशों को फोटोज में देखोगे तो आपको लगेगा ये तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है भाई। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे गंदे देश दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप यही कहेंगे, अरे भाई यहाँ लोग रहते कैसे हैं? और भाई हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में कई सारी यूरोप की कंट्रीज भी हैं। तो आइए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। कांगो। दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जहाँ पर सफाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये है कांगो। कांगो में तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जितनी गंदगी है ना वो आपको कहीं और शायद देखने को ना मिले। अब जानते हैं इसका मेन कारण क्या है। भाई ये है यहाँ की गवर्नमेंट की पुअर प्लानिंग। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस देश में बहने वाली नदियों की क्या हालत है। यहाँ पर देखिए जितने भी कारखाने हैं उनको खुली छूट है कि वो वेस्ट मटेरियल यहाँ के अलग अलग रिवर में डाल सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की वाटर क्वालिटी बहुत ही बेकार है। दोस्तों कांगो में सबसे ज्यादा चमड़े का काम होता है, और आप तो भाई जानते ही हैं जहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर गंदगी यार कितनी होती होगी। साथ ही साथ यहाँ के कैपिटल सिटीज में भी आपको कई सारे ऐसे एरियाज देखने को मिल जाते हैं जहाँ आपको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। साफ सफाई से भाई किसी को कोई वास्ता ही नहीं है इस देश में। और सबसे गंदी आदत ये है यहाँ के लोगों की कि ये जहाँ पर काम करते हैं वही गंदगी फैलाते हैं। जी हाँ, यहाँ से कुछ साल पहले इस देश में भी साफ सफाई अभियान चला था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की पोल खुल गई। साफ सफाई के नाम पर नेता सिर्फ फोटोज खिंचवाते हैं। यहाँ पर जाना और समय बिताना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है दोस्तों। यहाँ की नदियों का हाल देखकर भाई कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम जगह है जहाँ पर आपको साफ पानी दिखाई देगा। इथियोपिया। दोस्तों ईस्ट अफ्रीका का देश इथियोपिया सबसे गंदे देशों की सूची में सबसे ऊपर आता है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज की दिक्कत है तो वो है एजुकेशन की। यहाँ पर लोगों के बीच में भाई साफ सफाई के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और यही वजह है कि यहाँ आपको जगह जगह पर गंदगी नजर आएगी। इथियोपिया में हर सुबह इतनी गंदगी निकलती है कि कोई भी इसको देखकर डर जाए। यहाँ पर साफ पानी की दोस्तों बहुत ही कमी है और क्लीनिंग को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी गंदगी में रहने की आदत सी हो गई है। यही वजह है कि इस देश में आपको चारों तरफ गंदगी नजर आएगी। इथियोपिया की कैपिटल सिटी है एडिस अबाबा। इसको देखने के बाद दोस्तों आपको लगेगा ये वर्ल्ड क्लास शहर है, लेकिन इसके कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। जब आप इस शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ की प्लानिंग देखकर इसकी पोल खुल जाती है। इस शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि फैक्ट्रीज की सारी गंदगी यहाँ की नदियों में ही जाती है। गंदगी की वजह से इस देश में बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश। आपने सुना ही होगा कि हर देश की कम से कम कैपिटल सिटी तो साफ ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी बहुत ही गंदा शहर है। यहाँ पे आपको हर जगह गंदगी देखने को मिल जाती है, और यही वजह है कि इस देश में कोई भी जल्दी जाना नहीं चाहता। बांग्लादेश में साफ सफाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ जो भी फैक्ट्रीज हैं वो इतनी गंदगी फैलाती हैं कि यहाँ पर दो पल के लिए रहना भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। इस देश में दोस्तों कुल मिलाकर 700 नदियां बहती हैं, लेकिन एक भी ऐसी नहीं है जो साफ पानी अपने साथ लेकर आती हो। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे गंदगी वाले देशों की सूची में बहुत ऊपर रखा गया है। नाइजीरिया। अफ्रीका का एक और ऐसा देश जो कि दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है, ये है नाइजीरिया। अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले यहाँ की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन भाई जब भी बात आती है साफ सफाई की तो ये देश भी पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ एरियाज तो ऐसे हैं कि मानो जन्नत हो, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे हैं कि मानो यहाँ पर रहना किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो। कुछ जगहों पर हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। नाइजीरिया में भी झुग्गी झोपड़ी बहुत है, लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। इनका दूर दूर तक साफ सफाई से कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की गंदगी अब सर के ऊपर से बह रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें नहाने तक के लिए साफ पानी नहीं मिलता। गंदगी की वजह से एयर क्वालिटी भी दिनों दिन खराब हो रही है। अब जब इतनी समस्या है तो कैसे इस देश का नाम सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाले देशों की सूची में नहीं आएगा। चाइना। दोस्तों दुनिया के सबसे गंदे देशों की अगर बात करें जहां पर साफ सफाई सिर्फ दिखाने की चीज है, उन देशों में चाइना का नाम भी भाई बहुत ऊपर आता है। आपको ऐसा लग रहा होगा चाइना तो भाई एक ऐसा देश है जो इस समय अमेरिका को टक्कर दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। आज हम आपको बताते हैं इस देश में कितनी गंदगी है। दोस्तों चाइना की एयर क्वालिटी के बारे में आज हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि यहाँ कैसी समस्या है। लेकिन जहाँ बात है इस देश की वाटर क्वालिटी की,
तो ये भी धरातल में जाती हुई दिख रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम इसी देश में चलता है, लेकिन इस सबकी कीमत भी चीन भर रहा है। यहाँ के कुछ एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको नजर आएगा कि यहाँ बहने वाली एक भी नदी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि चीन एक बहुत ही एडवांस देश है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी प्लानिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। यही वजह है कि चाइना की गंदगी दिनों दिन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर लोगों को मास्क लगाकर चलते हुए आपने आज से 203 साल पहले देख लिया होगा, लेकिन सवाल है कि पानी की क्वालिटी और यहाँ बहने वाली नदियों की स्थिति कैसे सुधरेगी। ये बात चीन को भी पता है कि तरक्की करने के साथ साथ आपको नेचर के हिसाब से भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और आने वाले दिनों में चीन को और भी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो भाई फिर भी समझदार हैं, लेकिन छोटे शहरों में लोग आज भी गंदगी हद से ज्यादा फैलाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आउटर सिटी एरियाज में जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ आपको चीन की सही तस्वीर मिलेगी, क्योंकि यहाँ गंदगी ही गंदगी आपको आगे पीछे नजर आएगी। मॉरिटानिया दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कंट्री जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, जो कि बहुत ही गरीब देश है और अपने गलत कामों के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर ड्रग्स का काम, क्राइम और ना जाने क्या क्या चीजें होती हैं। वेल दोस्तों, यहाँ की गंदगी देखने के बाद भी हो सकता है कि आप इस देश में शायद रहना भी ना चाहें। वो कहते हैं ना कि हर देश में कुछ ना कुछ ऐसी लोकेशंस होती है जिसे आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात होती है भाई मॉरिटानिया की, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जी हाँ, यहाँ की गंदगी का लेवल भाई हद से ज्यादा बढ़ चुका है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए कुछ भी प्लान नहीं किया गया और लोगों को भी गंदगी में रहने की आदत पड़ गई है। यहाँ पर सब अपने घरों के आगे कूड़ा फेंक देते हैं और कोई भी साफ सफाई के नियम को घंटा फॉलो नहीं करता। लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, और ऊपर से यहाँ पर भाई सहारा डेजर्ट का भी असर दिखता है। सैंडस्टॉर्म यहाँ पर हर दूसरे दिन दिख जाता है। ऐसे में गंदगी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। मॉरिटानिया की गंदगी इतनी ज्यादा है कि इस देश में आपको एक भी ऐसा बीच नहीं दिखेगा जहाँ पर आप 2 मिनट की चैन की सांस ले सके। ऐसे रूस दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस लिस्ट में कुछ यूरोप के देश भी आते हैं। जी हाँ, अब आ चुके हम रूस पे। रूस की एयर क्वालिटी को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ पर कई दफा आपको सांस लेने में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और रीजन यही है कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज है वो बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन करती है। हालांकि इस परेशानी को लेकर कई बार काम किया गया है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली। सफलता उतनी ही दूर है जितनी दूर अभिषेक बच्चन से हिट फिल्म है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रूस एक डेवलप्ड नेशन है दोस्तों। यहाँ पर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ की हालत भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। रूस में एक ऐसी नदी भी है जो कि पूरी तरह से लाल हो गई है। लोगों को लगता है कि यह दुनिया के लिए अजूबा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लाल रंग गंदगी की पहचान है। पाकिस्तान दोस्तों, गंदगी फैलाने के मामले में पाकिस्तान यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क पीछे कैसे रह सकता है। यहाँ पर इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए तो भाई ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान कूड़े के ढेर पर बसा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग या तो चमड़ी का काम करते हैं या वो काम करते हैं पशुपालन का, और दोनों ही काम है भैया बहुत गंदगी है। यहाँ के भाई लॉर्ड साहब इसे साफ तक नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोगों का सफाई से कोई वास्ता नहीं है। आज के जमाने में भी पाकिस्तान में कई लोग पटरी पर बैठ के फ्रेश होते हैं। बल्गेरिया, वैसे आप रूस का देखिए किस्सा कह सकते हैं, लेकिन अब ये कंट्री अलग है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं गंदगी के मामले में इस देश ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको हद से ज्यादा गंदगी नजर आ जाएगी। बल्गेरिया की भी एयर क्वालिटी बहुत खराब है, और साथ ही साथ यहाँ की नदियों में बहने वाला पानी भी गंदगी की वजह से थम गया है। ये बताने के लिए काफी है कि गंदगी की बीमारी अब यूरोप को भी अपनी चपेट में लेने लगी है। साथ ही यहाँ के बारे में एक और बात जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि गिने चुने अगर शहर छोड़ दिए जाएं तो आप यहाँ पर गांव की गंदगी देखकर हैरान हो जाएंगे, और ये तब हो रहा है जब यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। टर्की दोस्तों, दुनिया के सबसे गंदे देशों की सूची में जिस देश का नाम आता है ना, वो है टर्की। यहाँ की बात ना ही की जाए तो ही ठीक है यार। टर्की के आप बड़े बड़े शहरों को देख के कहते होंगे यार ये कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया है, लेकिन दोस्तों आप जब इस देश की सच्चाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कितनी कमियां भी हैं। यहाँ पर गंदगी के भंडार भी है, एयर क्वालिटी भी बहुत खराब है, और सबसे ज्यादा यहाँ के रूरल एरियाज में रहने वाले लोग ही गंदगी फैलाते हैं। आज भी समय के हिसाब से ये अपने आप को बदल नहीं सके हैं। दोस्तों, इन तमाम देशों के मुकाबले अपना देश बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम हम इनसे अच्छी हालत में हैं। मौका अगर आपको मिले तो आप इसमें से किस देश की सैर करना चाहेंगे मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो मेरी जान, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।